डिजिटल सेवा गुजरात चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विंडोज 7 से विंडोज 7 सर्विस पैक 1 कैसे करें उसके बारे में जानेंगे। तो अपने कंप्यूटर के आइकॉन पर राइट क्लिक करें और उसकी प्रॉपर्टी में जाएं। अब आप देख सकते हैं आपका विंडोज 7 विंडोज 7 सर्विस पैक 1 नहीं है, तो इस विंडोज को क्लोज करें। अब अपने कीबोर्ड में विंडोज की के साथ आर की प्रेस करें, जिससे रन का बॉक्स ओपन होगा। अब उसमें आप आरजी एडिट लिखें। और ओके पर क्लिक कर दे। अब यस के बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने रजिस्ट्री एडिटर का विंडो ओपन होगा। उसमें आपको तीसरे नंबर का ऑप्शन एच की लोकल मशीन पर क्लिक करना है। अब नीचे सिस्टम लिखा है उस पर क्लिक करें। नीचे कट कंट्रोल सेट पर क्लिक करें। नीचे कंट्रोल पर क्लिक करें। अब आपको स्क्रॉल बार को नीचे की तरफ ले जाना है। और विंडो लिखा है उस पर क्लिक करें। अब राइट साइड में आपको CDS वर्जन लिखा हुआ दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। अब आपको बॉक्स में शून्य दिखाई देगा, उसे डिलीट कर देना है और वहां आपको 100 लिख देना है और ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को रिस्टार्ट करना है। मैंने अपना लैपटॉप रिस्टार्ट कर लिया है और हम अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाके देखेंगे कि विंडोज सर्विस पैक 1 हुआ है कि नहीं। आप देख सकते हैं विंडोज 7 से विंडोज 7 सर्विस पैक 1 हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो में कमेंट करें। और आप इस चैनल में नए हैं तो हमारी डिजिटल सेवा गुजरात चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।